हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मोहम्मद वहा मिर्ज़ा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसआर के पेपर्स को, जो कि 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। एमसीक्यूज था हमारे पास तीन चार्लस ला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट? ऑप्शन थे हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल। तो चार्लस ला में हम जो कॉन्स्टेंट रखे होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रेशर, जबकि बॉयल्स ला में हम कॉन्स्टेंट रहते हैं टेम्परेचर्स को। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है एनएलजी का। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोफोन एंड सिंगर, तो इसकी हमने एनालॉगी बतानी थी। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप। सेकंड हमारे पास है डॉक्टर, पेशेंट, टेलीस्कोप एंड साइंटिस्ट। और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं नन। तो इसकी सही जो होगी वो हमारे पास हो गई सी, टेलीस्कोप एंड साइंटिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हिज बिगेस्ट फॉली थ्रूआउट हिज डाउनफॉल, चूज द सिनोनिम। यहाँ हमने फॉली का सिनोनिम बताना था। ऑप्शन था हमारे पास वाइजनेस, अकलमंदी, इम्प्रीडेंस, बेहतियाती एंड जजमेंट यानी फैसला। तो ये फॉली की जो होता है सिनोनिम वो हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। ऑप्शन हमारे पास एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड ब्रायोफाइट। तो इसका सही ऑप्शन था हमारे पास ब्रायोफाइट में जो होती हैं ये गैमेटोफाइट जो होती है जनरेशन वो डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक एट 20 past by 8। ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर करेक्ट था हमारे पास 130 degree। द एंगल बिटवीन द आवर्स हैंड एंड द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 20 past by 8 इज 130। एमसीक्यूज हमारे पास एपिकल डोमिनेंस इज मेनली कॉज्ड बाय। ऑप्शन हमारे पास ऑक्सिन, सेकेंड हमारे पास है जिब्रालिन, थर्ड हमारे पास आ जाते हैं एब्सेसिक एसिड। तो एपिकल डोमिनेंस जो होते हैं मेनली कॉज कर रही होती हैं ऑक्सिन की वजह से, ये ऑप्शन था राइट। नेक्स्ट है हमारे पास गैमेटोफाइट डोमिनेंट इज, द फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है ये हमारे पास गैमेटोफाइट की डोमिनेंट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी। ऑप्शन हमारे पास हीमोग्लोबिन, सेकेंड हमारे पास पेप्सिन एंड मायोग्लोबिन। तो बॉडी जो में हमारे पास जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है प्रोटीन वो हमारे पास होती है हीमोग्लोबिन। ए ऑप्शन इज राइट। इनवर्टिब्रेट हैविंग द आरबीसीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो यहाँ हमने बताना है कि ऐसा कौन सा इनवर्टिब्रेट है जिसमें हमारे पास जो होती है आरबीसीज होती है। सो ऑप्शन है हमारे पास एनिलिड, सेकेंड हमारे पास है ऑर्थोपोड और लास्ट हमारे पास आ जाता है मोलस्कस। सो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए, एनिलिडा, और इसके एग्जाम्पल हमारे पास अर्थवर्म। एमसीक्यू हमारे पास टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज अ कॉलेरा डिजीज। तो ऑप्शन हमारे पास विब्रियो, पेरिलिया, कॉकस एंड बैसिलस। सो इसका सही ऑप्शन था हमारे पास वाइब्रो, ए ऑप्शन इज राइट। एमसीक्यू हमारे पास पेप्सिन इज यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ। ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपर। सो पेप्सिन जो होते हैं ये बेसिकली डाइजेशन करती हैं प्रोटीन की। इन ह्यूमन सेल टू साइड बैग आर नॉन एज। ऑप्शन हमारे पास लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गॉल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, जबकि लाइसोसोम जो है इसे हम सुसाइड बैग कहते हैं इन ह्यूमन में। एमसीक्यू हमारे पास नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन था हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। दे आर नॉन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि बॉन्ड टाइप्स जाना था हमने पी ओ सी एल थ्री में। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास था कोवेलेंट बॉन्ड। एमसीक्यू हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मास हमारे पास होते हैं 100 ग्राम और मोलर मास जो होते हैं वो हमारे पास बनेगा 40। सो इसके करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास था 2.5 मोल्स। एमसीक्यू हमारे पास हाउ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंड्यूस ई एम एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन था हमारे पास हेनरी, फेरेडे एंड ऑलस्ट्रीट। सो इसका सही ऑप्शन था हमारे पास फेरेडे ने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस EMF। ऑप्शन था एमसीक्यू हमारे पास स्नॉपिंग इज बेसिकली अ टूल विच इज यूज्ड। सो स्नॉपिंग जो होते हैं ये बेसिकली यूज हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में।
ये बेसिकली एमसीक्यूज थे, बाकी हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे।